चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म एक था टाइगर की सफलता के बाद सलमान खान और कटरीना कैफ की रोमांटिक जोड़ी टाइगर जिंदा है को आज पूरे भारत में रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, टाइगर जिंदा है के रिलीज होते ही सिनेमा घरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो काफी हाउसफुल रहा है। उम्मीद से ज्यादा दर्शकों की भारी भीड़ ने थिएटर के साथ साथ मल्टीप्लेक्स में तबाही मचा दिया है। कई सिनेमा घरों में तो सिनेमा को भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ गई। उम्मीद लगाया जा रहा है कि फर्स्ट डे करीब करीब सलमान और कटरीना की जोड़ी 40 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है। हालांकि यह करेक्शन भी किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद तो यहां तक किया जा रहा है कि यह फिल्म पहले दिन करीब 60 से 70 करोड़ का भी बिजनेस कर सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि सलमान और कटरीना की जोड़ी जब भी बॉक्स ऑफिस पर आई है हमेशा ही एक नया रिकॉर्ड बनाई है और करीब 5 साल के बाद सलमान और कटरीना की रोमांटिक जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दर्शक देख पा रहे हैं, जिसे देखकर बहुत ही एंजॉयमेंट करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस फिल्म में कटरीना का एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ही रोमांचित करता है और सलमान खान के बाइसेप्स का तो कोई जवाब ही नहीं है इस फिल्म में। अगर आप लोगों ने अभी तक यह फिल्म नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर सलमान खान की टाइगर जिंदा है जरूर देखें और स्वैग से स्वागत करने के लिए सलमान खान का यह लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें।